आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फिरोजाबाद जिले में बरसात में ओवरफ्लो नहर होकर कटने की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नहर विभाग के अधिकारियों के राह दौड़े और किसानों की फसल हर हाल में बचाने के निर्देश दिए हैं। हर हाल में किसानों की फसल बचाई जाए। कई जगह पानी कटने की सूचना मिली, वहां रोकने को अधिकारी लगाए गए हैं। शेखोहाबाद के स्वामी नगर के पास भी पहुंचे, जहां किसानों का भारी नुकसान हुआ। अपर जिलाधिकारी ने बताया, पानी कटने की सूचना मिलते ही सभी अधिकारी को सूचित कर दिया गया है और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया, पानी कुछ जगहों पर कट गया था, उस जगह को JCB के द्वारा रोक दिया गया है, इससे किसानों का कोई नुकसान ना हो पाए। क्या हुआ है? खेत में कटने से मेरे खेत पूरा डूबा जा रहा है। कितना नुकसान हुआ होगा? करे पूरा नष्ट हो गया। क्या प्रशासन क्या कर रहा है? अब बोला तब आए, अब रात को आए, सुबह आए हैं। DM साहब भी आए थे। देखिए, जनपद में कल रात्रि से ही लगातार बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई। आज इस पर भी काफ़ी बारिश हुई है, उसके चलते जो हमारी मेन कैनाल है उसमें पानी काफ़ी अधिक मात्रा में आया था। इसकी वजह से कुछ स्थानों पर उसमें ओवरफ्लो की हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि वह वहाँ पर जाके स्वयं निरीक्षण करें और उसका समाधान कराएं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी कुछ जगह पर इसमें विजिट किया गया, ताकि जितने भी हमारे SDM हैं वो लगातार फील्ड में जाके उन स्पॉट को चेक कर रहे हैं जहाँ पर नहर की ओवरफ्लो या कटने की समस्या आ रही है। वर्तमान में अभी सभी जगह लगभग स्थिति कंट्रोल है और अभी 1 से 2 घंटे में हम लोग पूरी तरीके से उसको कवर अप कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।